हनुमान जी को हजारों साल तक अमर रहने का वरदान क्यों मिला था? धर्म की रक्षा के लिए भगवानों ने धरती पर अनेक रूप लिए हैं। उन रूपों में से एक रूप है हनुमान जी का। हनुमान जी ने त्रेता युग में भगवान श्री राम की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए प्राण लिया था। हनुमान जी का अवतार शिव शंकर के सबसे श्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं। महाभारत हो या रामायण, दोनों में हनुमान जी ने अहम भूमिका निभाई है। रामायण में तो हनुमान जी श्री राम के प्रिय भक्त थे और महाभारत में भी अर्जुन के रथ से लेकर भीम की परीक्षा तक कई जगह हनुमान के दर्शन हुए हैं। हनुमान के आज भी जीवित होने का सच वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की लंका में सीता माता को खोजने के बाद जब लाख कोशिशों के बाद हताश हो गए तो वे सीता माता को मृत समझ बैठे, लेकिन हनुमान जी को श्री राम का स्मरण हुआ कि वो पुनः जोश में खोजने के लिए शिव वाटिका पहुँच गए और सीता माता को उन्होंने खोज निकाला। इससे प्रसन्न होकर सीता माता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। इसलिए हनुमान जी भगवान श्री राम के सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में भी लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर्दिनी जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ दे सकते हैं। हनुमान ने सीता माता को क्यों वरदान वापस लेने को कहा? हे माता, आपने मुझे अमरता का वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं मेरे भगवान श्री राम के बिना धरती पर क्या करूँगा? तो आप अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए। इस बात को लेकर हनुमान जी सीता माता के सामने जीत पर अर जाते हैं और उस दौरान सीता श्री राम का स्मरण करती कुछ देर वहां पर ही श्री राम प्रकट हो जाते हैं। तब श्री राम हनुमान जी को यह समझाते हैं कि देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी चाहे वह संत है या देवता कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान, एक समय ऐसा भी आएगा कि धरती पर कोई भी देवी देवता नहीं रहेगा। तब धरती पर पापियों का नाश और राम के भक्तों का उद्धार तुम्हें करना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें अमरता का वरदान दिया गया है। तब हनुमान अपने अमरता के वरदान को समझते हैं और राम की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान हैं।